जी पहला मसला यह पूछा गया, क्या मकरूज पर ज़कात वाजिब है? अगर कोई आदमी मकरूज है और उसने किसी से कर्ज ले रखा है, किसी से कर्ज ले रखा है, कितना कर्ज लिया है, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया कर्ज लिया, और उसके पास जो मजमूई माल है वो कितना है, 5 लाख है। अब इस आदमी ने कितने पे ज़कात अदा करनी है, 4 लाख पर ज़कात। अगर 1 लाख को माइनस कर दिया जाएगा और वो 4 लाख पर ज़कात अदा करेगा। मैं दमे का मरीज़ हूँ, क्या मैं इन्हेलर इस्तेमाल कर सकता हूँ रोज़े की हालत में? अच्छा, जो शख्स दमे का मरीज़ है और उसके लिए डॉक्टरों की तरफ से ज़रूरी होता है कि वो इन्हेलर इस्तेमाल करे, तो मसला ये है कि वो अभी रोज़ा ना रखे, अभी रोज़ा जो है छोड़ दे, और रमज़ान के बाद जब उसे सेहत मिल जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, तो उसके बाद फिर उस रोज़े की कज़ा कर ले, उसके ऊपर फ़दिया नहीं है। क्या ज़कात के माल से अफ्तारी करवाई जा सकती है? जी ज़कात के माल से अफ्तारी करवाई जा सकती है, लेकिन मालिक बनाना ज़रूरी होता है। यानी आपने कोई राशन की एक पैकेज बनाया और वो किसी बंदे को दे दिया, उसको मालिक बना दिया, तो इससे आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। क्या ज़ाती गाड़ी पर ज़कात है? ज़ाती गाड़ी पर ज़कात नहीं है। क्या रोज़े की हालत में मसवाक करना जायज़ है? रोज़े की हालत में मसवाक करना जायज़ नहीं, बल्कि औला है, अफजल है, हुजूर की सुन्नत है। हाँ, जो टूथपेस्ट और ब्रश है ये इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका जायका और इसकी जो है वो खुशबू जो है, खुशबू तो नहीं, जायका कहा जा सकता है, ये आपके हलक में जा सकता है, इसलिए रोज़ा टूट जाने का खदशा है, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाकी मसवाक इस्तेमाल की जा सकती है। गाड़ी बतौर कर्ज ली है तो क्या उस पर ज़कात है? अगर कर्ज पर गाड़ी ली है तो इसको भी उसी तरह माइनस किया जाएगा जैसे दूसरे माल को माइनस किया जाता है। क्या किस्तों पर ख़रीदे हुए प्लाट पर ज़कात वाजिब है? किस्तों पे ख़रीदे हुए प्लाट, यानी 10 किस्तें थी, 3 किस्तें जमा करवा दी हैं, तो अब उस 3 किस्तों वालों के हालिया रेट को देखा जाएगा कि अभी इसका क्या रेट बनता है, तो उतनी ज़कात अदा करना वाजिब होगा। मेरे पास प्लाट है, उस पर ज़कात फ़र्ज है? अगर प्लाट ख़रीदा है बेचने की नीयत से उस पर तो है, अगर घर बनाने की नीयत से ख़रीदा है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। वरासत में हिस्सा लेने से कबल ज़कात लेना दुरुस्त है कि नहीं? अगर किसी बड़े का इंतकाल हो गया और वरासत में ज़मीन एक इंसान की बनती है लेकिन अभी तक तकसीम नहीं हुई, लेकिन ये आदमी इतना गरीब है कि ये ज़कात को वसूल कर सकता है, तो जब तक वो वरासत की ज़मीन जो है तकसीम नहीं हुई तब तक वो जो है उस वरासत की ज़मीन को लेने से पहले किसी से ज़कात भी ले सकता है। अल्लाह से दुआ है, जो सुना है, जो कहा है, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।